उत्तर भारत को बीते 2-3 दिनों से बारिश से राहत मिली है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काई मेट के अनुसार अब एक बार फिर देश के कई इलाकों में लोगों को बारिश का सामना करना पड़ सकता है। 30 मार्च की रात से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नजर आएगा। इसका असर राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल तक देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। अगले 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना समेत एक दर्जन से अधिक राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD के मुताबिक इससे लोगों को लू और चिलचिलाती गर्मी से तो राहत मिल सकती है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD का यह भी कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में एक बार फिर ये मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है कि 29 मार्च के बाद से उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर भारत के कई बड़े हिस्से शामिल हैं, जिसमें सप्ताह के आखिर में बारिश और ओला पड़ने की आशंका है। इसके अलावा 30 और 31 मार्च को बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मध्यम से तेज बारिश होने की भी आशंका है। मौसम विभाग की इस रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के पास भी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस होने की संभावना है, जो कि उत्तर पूर्व भारत की ओर आगे बढ़ेगा। इसका असर बुधवार से यानी कि 29 मार्च से उत्तर पश्चिमी भारत में देखने को मिलेगा। वहीं 28-29 मार्च को पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और आंधी तूफान को भी लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना समेत एक दर्जन से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां तेज बारिश हो सकती है और साथ ही बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। इसको देखते हुए IMD ने यह जरूर कहा है कि अब लग रहा है कि लोगों को लू और चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन 5 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। ये भविष्यवाणी भी मौसम वैज्ञानिकों ने की है, जिसमें कहा गया है कि 5 अप्रैल तक इन सारे राज्यों में, इन सारे इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 28 मार्च की रात से ही दिल्ली NCR में मौसम एक बार फिर बिगड़ेगा और 30-31 मार्च को उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होगी, जो कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंता की बात है। पिछले दिनों जिस तरीके से मौसम बिगड़ा था, उसके बाद इन सारे इलाकों में जहां की कृषि प्रधान इलाके माने जाते हैं, वहां किसान काफी परेशान हुए थे। वहीं इसके एक दिन बाद यानी कि 30 मार्च को राजस्थान में भी ओलावृष्टि की आशंका है। 30 मार्च को ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। IMD ने 31 मार्च तक इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर तटीय क्षेत्रों में पहुंचने की आशंका जताई है, जिनमें कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और कर्नाटक के कई इलाके शामिल हैं जहां बारिश के साथ ओला पड़ सकता है। 28 मार्च को ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम यानी कि पूर्वोत्तर भारत के वो इलाके या तटीय क्षेत्र जहां हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है, इसको भी हाईलाइट किया गया है। इनमें से अधिकतर जगहों पर मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाएं चलेंगी, बिजली चमकेगी या गिरेगी और उसके साथ ही साथ बारिश होगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कई हिस्सों में खराब मौसम की संभावना भी जताई गई है। वहीं 31 मार्च तक हावड़ा में बारिश जारी रहेगी, ऐसा अनुमान है। अगर उसी के नीचे आ जाए यानी पश्चिम बंगाल के नीचे आया जाए तो ओडिशा के भुवनेश्वर में 2 दिन जो अभी मौसम खुला है उसकी राहत के बाद एक बार फिर बारिश की आशंका है। IMD ने 30 और 31 मार्च को भी शहर में बारिश की संभावना जताई है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भी इस सप्ताह के अंत में हल्की बारिश और उसके बाद शुष्क मौसम रहने की संभावना को जताया है। IMD की वेबसाइट में मौसम से संबंधित इस रिपोर्ट को और आगे पढ़ा जाए तो बताया गया है कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, जम्मू में जो बारिश होगी उसमें गरज के साथ बारिश की संभावना है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण दिल्ली NCR में सप्ताह के अंत में जो मौसम है वो सुहावना बना रहेगा, लेकिन 30 मार्च के बाद इस इलाके में यानी कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो साफ है कि एक बार फिर मौसम की मार कई इलाकों में किसानों को पड़ सकती है, तो शहरी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि तापमान नहीं बढ़ेगा और मौसम अगर सुहावना बना रहेगा तो लोगों को आने जाने में कम परेशानी होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।